कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी लक्षणों का समूह। तो इसकी खोज जो है हेनरी एस टर्नर साहब ने 1938 में की थी। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है और इससे रिलेटेड कौन सी डिजीज होती है। हम जानते हैं कि जनरल सा ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 44 जो है हम जानते हैं कि ऑटोसोम होते हैं और एक जो है जोड़ी, यानी एक, यानी ये दो क्रोमोजोम जो है सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, और ये हमारे ऑटोसोमल क्रोमोजोम होते हैं। तो जनरल से जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड बीमारी होती है, मतलब, और यह भी मात्र जो है ये फीमेल के अंदर होने वाली यह बीमारी है, फीमेल से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं ये सेक्स क्रोमोजोम जो हमारा डिसऑर्डर आता है वो कैसे आता है। जनरल सा हम यहाँ देख रहे हैं 44 ऑटोसोम और प्लस जो है एक यक्स क्रोमोजोम इसमें रहता है, यानी टर्न हो जाता है, नाम से स्पष्ट है टर्न हो जाना, यानी एक्स क्रोमोजोम एक गायब हो जाता है। इस तरह की फीमेल जो है इसको हम देखते हैं कि इसका जेनेटिक मेकअप ये होता है 44 प्लस एक्स 0, यानी सेक्स से रिलेटेड डिजीज है। आइए देखते हैं कि जनरल सा हमारा एक फिनोमिना क्या होता है। जनरल से फिनोमिना हम जानते हैं कि ये हमारा एक जो जर्म सेल है इससे जनरल पहली मियासिस, फर्स्ट मियासिस में हम देखते हैं कि दो गैमिट बनते हैं, एक हमारा इधर गैमिट बन गया, एक ये बन गया। अब हम आगे देखते हैं कि बिना हमने मियासिस सेकेंड में जब हम एनाफेज स्टेज में जाते हैं तो डिसजंक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, एक से हमारी दो सेल बनी और इसके जो है जो क्रोमेटिड है वो अलग हो जाते हैं, इस सेल में आ जाते हैं, एक इसमें आ जाता है और इसका एक इसमें और इसमें आ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जनरल सी प्रोसेस संपन्न हो जाती है और एक सेल से चार सेल जो है चार हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं। तो ये है एक जनरल सी मियोसिस की। और हम जानते हैं कि यहाँ से क्रोमोजोम यहाँ इंटर करेगा, एक स्पर्म इंटर करेगा तो इसका एक क्रोमोजोम और ये मिलकर के ये हमारे पुनः जो है डिप्लॉयड बन जाते हैं। इसका भी वही कहानी है और यहाँ भी हम देखेंगे कि यही कुछ होता है। तो ये तो नॉर्मल सा प्रोसेस है, यानी यह डिप्लॉयड हो जाता है और ये जायगोट जो है डेवलप होता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजीज की जिसमें हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोजोम हमारा यहाँ से गायब हो गया है। तो ये कहाँ गया और इसी की वजह से हमारी बीमारी होती है। अब देखिए जनरल सी प्रोसेस ये है कि इसमें तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, अब होता क्या है बाय मिस्टेक ये पूरा का पूरा सेट इसमें न जा करके, इसमें न जा करके वो सीधे इसी के अंदर जब समाहित हो जाता है, इसी के अंदर आ गया तो ये तो नील हो गया भाई, इसमें तो कोई क्रोमोजोम है नहीं। अब जब इसी के अंदर आ जाता है तो दो सेट हो गए, मतलब दो क्रोमोजोम इसके अंदर आ गए। और ये जब इससे एक जो है जो हमारा स्पर्म इसको फ्यूज करता है तो इसका भी एक क्रोमोजोम आ जाता है। तो इसकी इसको हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। इसके बारे में तो हम नहीं यहाँ बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो नॉन डिसजंक्शन के वजह से, मतलब सिपेरेशन सही ढंग का नहीं हो पाया, जिसके कारण इस क्रोमोजोम को जो इसमें जाना चाहिए अलग होकर के वो इसमें ना जा करके पूरा इसी में आ गया। तो इससे जब इसका स्पर्म जब फ्यूज करेगा तो ट्राइसोमी हो जाएगी। इससे क्लाइनफिल्टर और डाउन सिंड्रोम की बात हमने की है प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ हम बात कर रहे हैं इसमें कोई क्रोमोजोम नहीं आया तो ये जो हमारा स्पर्म है इसका एक सेट एक क्रोमोजोम इसके अंदर आता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक ही इसके अंदर है, ये पूरा नहीं है। तो यानी 44 प्लस एक है और यह इसी को हम कहते हैं मोनोसोमी। तो ये है हमारा मोनोसोमी, एक यानी एक क्रोमोजोम का टर्न हो जाना, इस तरह का इसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम विशेष करके महिलाओं में ही संपन्न होती है और जब टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला हो जाती है तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहली बात इसमें देखते हैं कि जो इसकी नेक होगी वो काफी वाइड होती है, चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है और इनके जो
निपल्स होते हैं वो आप देखेंगे कि जनरल जो फीमेल है उसकी तुलना में ये निपल काफी दूर होते हैं, वाइडली स्प्रेड होते हैं, इनका कद आप देखेंगे शॉर्ट होते हैं, और इसके अंदर ऑर्टरीज के अंदर जो है जिसे हम कैरेक्टोसन एरियोटा के अंदर आप देखेंगे आर्टरी के अंदर वीन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी ब्लड का सही ढंग का फ्लो नहीं हो पाता है, और सबसे बड़ी बात एमेनोरिया हो जाती है। एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है लास्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, और इनका जो है एस्ट्रोजन लेवल इसमें आप देखेंगे काफ़ी लो होता है, और एस्ट्रोजन लेवल लो होने के कारण आप जानते हो कि फॉलिकुलर सेल जो होती हैं ग्रैनुलोसा सेल से जो ओवरी के डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं वो सही ढंग का जब नहीं हो पाता है तो ये फीमेल जो है स्टेराइल हो जाती हैं, और इनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जैसे चेस्ट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो ये सारे इनके लक्षण आ जाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात इसमें देख लेते हैं कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। डायग्नोसिस तो देखिए इसकी डायग्नोसिस जो है एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के जब चाइल्ड जो है माँ के अंदर पल रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से और साथ ही साथ कैरियो टाइप के माध्यम से हम क्रोमोजोम को उसके डिसऑर्डर को जान सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है आइए उसे शॉर्टली देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम जान रहे हैं कि इसमें जो है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन की मात्रा काफ़ी कम होती है जिसकी वजह से इनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वेल डेवलप नहीं होता है, तो इसके लिए हम एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का इनको हम जब एस्ट्रोजन की मात्रा इसके अंदर बढ़ाई जाती है ट्रीटमेंट दिया जाता है और प्रोस्टान इसके साथ मिला करके तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सकती है, और साथ ही साथ आईवीएफ के माध्यम से इंट्रा जो वेटराइन फर्टिलाइजेशन है टेक्निक के माध्यम से भी ऐसे फीमेल जो है बेबी को कंसीव कर सकती है।